हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी टीवी 24। वेल दोस्तों, एक रिवाज सा चल चुका है कि शहनाज गिल कहीं भी स्नैप्ड हो, कहीं किसी पार्टी में हो, अवार्ड शोज में हो, या कहीं भी वो दिख जाए, उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर के बेहद ज्यादा ट्रोलिंग होती है। हाल ही में शहनाज ने खुद अपने अवार्ड शो के दौरान हुए इंटरव्यू में कह दिया कि मुझे अब इन ट्रोलिंग से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं बात ही नहीं करना चाहती उन बारे में। फिर भी लोग करें तो क्या करें, भाई जल भुन जाते हैं जब भी शहनाज गिल सामने आती हैं। और यहाँ पे शहनाज गिल जब लोकमत अवार्ड शो में पहुंची और अजान के दौरान जब उन्होंने अपने गाने को, जो उन्हें गाने के लिए कहा गया था, परफॉर्मेंस को उन्होंने डिले कर दिया, यानी कि वो रुक गई जितनी देर अजान हुई, और एक सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि पूरा माहौल शांत हो चुका था जब तक शहनाज ने गाने को नहीं गाया। अब ऐसे में लोगों ने इतनी अच्छी, यानी कि जो एक चीज़ होता है जो हर किसी की रिस्पेक्ट होती है रिलीजन्स के प्रति, उसको भी लोगों ने इतने घटियापन तरीके से कंपेयर करना शुरू कर दिया। जी हाँ, करण कुंद्रा दरअसल हाल ही में एक अपने शो को प्रमोट करने आए थे जहाँ पे अजान हो रही थी, और इनफैक्ट इस दौरान करण बराबर बोल भी रहे थे। ये वो थी रीम, जो उनकी को एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा था कि अजान हो रही, वन सेकेंड। तो इसके बाद वहाँ पे करण कुंद्रा थोड़ी देर के लिए शांत हुए थे, और उसको लोग कंपेयर कर रहे हैं कि शहनाज गिल ने कम कॉपी किया है करण कुंद्रा को। भाई शहनाज गिल को कुछ भी करने की ज़रूरत, किसी से कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो जितनी देर के लिए भी दिखती हैं उतना फैंस के लेना पे उन्हें कॉपी करके हाईलाइट पाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे में लोगों ने जो कंपेयर किया है, तो पहली बात तो वो करण कुंद्रा नहीं, वो रीम शेख थी जिन्होंने मना किया था, वो करण कुंद्रा बिल्कुल भी नहीं थे। जिन्हें कंपेयर करना है या कॉपी करके दिखाना है कि शहनाज गिल कॉपी कर रही हैं करण कुंद्रा की, तो पहले आप वीडियो को अच्छे से जाकर के देखिए कि उस प्रमोशनल वीडियो में क्या हुआ था, उसके बाद आप कॉपी का इल्ज़ाम लगाइए शहनाज गिल पे। फिलहाल शहनाज गिल जितनी देर के लिए भी दिखेंगी, उन्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ तेज रन फैंस की, जो पूरी बात को ना जानते हैं ना देखते हैं, बस जाते हैं शहनाज गिल को ट्रोल करने। वो ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। वही बात करें करण कुंद्रा के सोलो फैंस, वो कहाँ हैं भाई, वो तो बोल तक नहीं रहे कि हमारे आइडियल ने तो बोला ही नहीं, तो क्यों उनका नाम घसीट रहे। लेकिन नहीं, वो चुप रहेंगे और तेज रन ऐसे ही शहनाज को ट्रोल करते रहते हैं। वेल, ऐसे में जितने भी फैंस हैं वो भाई इन सब चीज़ों पे तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करने का, क्योंकि इनका हमेशा ही रहता है, क्योंकि जब उन्होंने ये चीज़ें की थी तब इतने आर्टिकल्स नहीं छपे थे जितने शहनाज गिल के इस चीज़ पे इतने आर्टिकल छप चुके हैं। तो भाई प्यार तो बढ़ेगा ही, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्यार एक्टिविटी अक्सर ही होती रहती है, तो वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी हो रही हैं।